जहाँ प्रेम की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ धर्म की आशा है सर्वोपरि, ऐसा है मेरा देश हिंदुस्तान, जहाँ देशभक्ति की भावना है सर्वोपरि। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीसीएन न्यूज की खास पेशकश में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो बीसीएन न्यूज की ओर से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 26 जनवरी को इसी दिन 1950 में 10:18 पर भारतीय संविधान लागू किया गया था, जिसके बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया, जिसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। आज के इस खास पेशकश में मैं आपको बताऊंगी गणतंत्र दिन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस हमें हमारे वीरों और अनेक संघर्षों की याद दिलाता है, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युवाओं की मदद से पूर्ण स्वराज की मांग को प्राप्त किया। यह राष्ट्रीय गौरव का दिन है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। हर साल 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर पूरी दुनिया की नजरें रहती है। भारत में गणतंत्र दिवस एक त्योहार से कम नहीं है। पूरे देश में जाति, पंथ, धर्म की परवाह किए बिना खुशी के साथ मुस्कुराते हैं। इस दिन पूरे देश को यह बताने के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल किया जाता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां अनेकता में एकता मनाई जाती है। इस पर्व को राजधानी दिल्ली में राजपथ पर खास तौर से मनाया जाता है, जिसमें देश के गणमान्य व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। राजपथ पर राज्यों की झांकियों के अलावा भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन की झलक भी दिखाई जाती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वे है माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षितता, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान लालों की निशानी है ये। यूं लड़ लड़ कर इसे तबाह न करना, देश कीमती उसे धर्म के नाम पर नीलाम न करना। पिछले 72 सालों से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन भी है, जिसे भारत का हर नागरिक बड़े उत्साह से मनाता है। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन जवानों की शहादत को याद ना करते हुए इसे एक राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मानते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ये दिन है उन तमाम जवानों की शहादत को याद करने का जिन्होंने इस देश को गणतंत्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिर एक बार आपको बीसीएन न्यूज की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।